प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ लिक्विड। इस टॉपिक को करने से पहले एक पॉइंट को समझते हैं कि जो लिक्विड है ना, मान लो एक ट्यूब है आपके पास, मान लो ये ट्यूब है, ये पतली सी ट्यूब है, इसको कैपिलरी ट्यूब भी बोल सकते हैं, ये दूसरी ट्यूब है और ये तीसरी ट्यूब है। देखो आप इसमें अलग अलग किस्म के लिक्विड्स को डालें, वो लिक्विड जो आप डालेंगे ना, वो अलग अलग जो टॉप की सरफेस है उसकी, वो कई लिक्विड्स जो होंगे वो आपको देखने में बिल्कुल ऐसे दिखेंगे जैसे ये लिक्विड है, आपको सरफेस उनकी बिल्कुल टॉप की फ्लैट दिखेगी, बिल्कुल फ्लैट है। सरफेस नहीं बोलते इसकी शेप को, मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस। तो मेनिस्कस क्या है इसका? फ्लैट है। और कोई लिक्विड आपने इसमें ऐसे डाला कि वो लिक्विड आपको फ्लैट नहीं दिखेगा, वो लिक्विड आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये देखो ये लिक्विड है, ऐसा मेनिस्कस दिखेगा, और किसी लिक्विड का मेनिस्कस ऐसा दिखेगा आपको, ये दिखेगा ऐसे ऊपर की तरफ दिखेगा आपको। अब चक्कर क्या है, ये सारा खेल इंटर और इंट्रा एटॉमिक जो फोर्सेस का है, या कोहेजन और एडहेजन फोर्सेस का है। एडहेसिव फोर्सेस होती थी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फोर्स, कोहेसिव फोर्स होती है सेम मॉलिक्यूल की फोर्स। अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जैसे मरकरी, इतने पक्के हैं कि मरकरी और मरकरी की फोर्स जबरदस्त है, उनको छुड़ाया नहीं जा सकता। जब आपने उनको ट्यूब में डाला तो कंटेनर के मॉलिक्यूल्स में इतना दम नहीं कि उसको खींच सकें, सेपरेट कर सकें। तो क्या हुआ, इधर के जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं मरकरी के, वो दूर भाग गए कंटेनर से, शेप ऐसी हो गई। आप कहोगे यहाँ पे तो मजबूरी है ना, मरकरी डालोगे इतनी सारी तो क्या, यहाँ तो कुछ ना कुछ चिपकी रहेगी, चिपक नहीं रही एक्चुअल में, साइड वॉल्स हैं इसकी, पर सारा जो शेप दिखता है वो आपको टॉप पे दिखता है। जो टॉप पे शेप दिखेगा आपको ऐसा दिखेगा मरकरी के केस में। तो मरकरी में कोहेसिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, मतलब मरकरी की फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि जो बीकर है या ट्यूब है इसको खींच नहीं पा रहा। लेकिन अगर हम नॉर्मल पानी की बात करते हो, जो पानी है नॉर्मल वो हमारा ऐसा दिखता है पतली ट्यूब में, जो पतली ट्यूब लो उसमें ऐसा दिखेगा, क्योंकि कंटेनर की ट्यूब की फोर्स पानी के मॉलिक्यूल पे जबरदस्त है, वो खींच लेता है पानी को। जब वो पानी को खींचेगा, वॉल्स खींचेंगी, अब जगह तो है नहीं, कहाँ खिसकेगा पानी, ऊपर खिसक जाएगा। ऊपर खिसने का मतलब वॉल्स खींच रही हैं, साइड पे वॉल्स खींचती हैं, तो पानी ऊपर उड़ जाता है वॉल्स से, तो ऐसा दिखेगा। पानी की फोर्स स्ट्रांग नहीं है, कंटेनर और पानी की फोर्स स्ट्रांग है, इसमें ना कोई स्ट्रांग ना कोई वीक, पानी पानी के भी बराबर और बीकर और पानी के भी बराबर, तो ना इधर की लड़ाई ना उधर की लड़ाई, न्यूट्रल, तो फ्लैट हो जाएगा। तो यानी कि मेनिस्कस ऐसा बने या ऐसा बने, इसको कनकेव कन्वेक्स बोलते हैं, कनकेव बने, कन्वेक्स बने, फ्लैट बने, वो सारी गेम लिक्विड पे डिपेंड करती है और बीकर पे डिपेंड करती है कि उनके बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके अंदर एक रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि अगर मान लो मैंने आपको ये फ्लैट सरफेस दे दी, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर और इमीडिएटली नीचे, बहुत नीचे मत जाना लिक्विड का प्रेशर लग जाएगा, इमीडिएटली नीचे प्रेशर की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो इस फ्लैट सरफेस के ऊपर और नीचे प्रेशर हमेशा सेम रहेगा क्योंकि फ्लैट है। लेकिन अगर आप कर्व्ड सरफेस लेंगे ऐसी, तो यहां का प्रेशर तो पी एटमोसफेयर है, यहां का प्रेशर पी एटमोसफेयर से, यहां पे जो भी प्रेशर आएगा वो पी एटमोसफेयर से क्या आएगा, कम आएगा, छोटा आएगा। लेकिन अगर आप यहां लेंगे तो यहां का प्रेशर तो पी एटमोसफेयर है, लेकिन यहां का जो प्रेशर आएगा वो पी एटमोसफेयर से क्या आएगा, बड़ा आएगा। अब ये रिजल्ट जो है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका प्रूफ हम करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, और ये भी बताऊंगा कि अंदर का प्रेशर के बाहर के प्रेशर से कितना ज्यादा हुआ या कितना कम हुआ दोनों केस में। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर मैं ये फिगर आपको दिखाऊं और आपसे पूछूं कि दो पॉइंट है फ्लैट सरफेस में, प्रेशर किसका ज्यादा किसका कम, आप बोलेंगे इसमें सेम है। मैं इसमें पूछूंगा आपको कि नीचे प्रेशर कम है ऊपर प्रेशर ज्यादा है, और मैं इसमें पूछूंगा आप बोलोगे नीचे प्रेशर ज्यादा है और यहां कम है, याद हो जाएगा यहां तक, ठीक। तो इसमें कई तरीके हैं याद करवाने के। एक रिजल्ट है, प्रेशर एट कनकेव सरफेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कन्वेक्स सरफेस। अब मुसीबत ये है, इसमें पहले याद करो कौन कनकेव है और कौन कन्वेक्स है, उससे पहले हम ये फॉर्मूला ना याद कर लें, वैसे ही याद कर लेते हैं। तो बहुत तरीके हैं, एक उनमें से एक मेरे पास तरीका है जो किसी किताब में लिखा नहीं हुआ,
ये मान लो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट है, तो यहां तो प्रेशर बराबर है, ये सरफेस ऊपर को उठा हुआ है, फोर्स ज्यादा प्रेशर लग रहा है, देखो बेंड हो गई, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा है इसलिए बेंड हो गई। नहीं, ये कोई फिजिक्स का तरीका नहीं है, मेरा अपना तरीका याद करने का, ठीक है, तो ये कोई तरीका नहीं है, पर आप समझिए अगर फ्लैट थी यहां ज्यादा फोर्स लगेगी तो ऐसा हो जाएगा, नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है। इधर देख लो ये फ्लैट थी, किसी ने यहां फोर्स लगाई, तो देखो ऐसा हो गया, ये मेनिस्कस देख रहे हो, तो यहां प्रेशर ज्यादा है यहां प्रेशर कम आएगा, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी याद कर लो, मैं अगले आधे घंटे में यही याद करवाऊंगा कहां प्रेशर ज्यादा कहां कम, पर मैंने तो एक तरीके से याद कर ही लिया, तो मेरे को तो याद करने की जरूरत नहीं, ना कनकेव ना कन्वेक्स, फिर भी बता दूंगा किताबी तरीके क्या होते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में वो पूछ लेता है कनकेव सरफेस कन्वेक्स सरफेस, आप सोचो ये कनकेव कन्वेक्स तो करवाई नहीं, वो बता दूंगा आपको, पर ये रिजल्ट क्लियर है सबको। तो इस टॉपिक में बस यही मेंशन किया हुआ है कि अगर मैं ऐसे मेनिस्कस बनाऊंगा, तो ये मान लो लिक्विड है, थोड़ा फीका डायग्राम है, ये मान लो कंटेनर है, ये लिक्विड है, यहाँ यहाँ प्रेशर बराबर है, ये मेनिस्कस ऐसा है तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है यहाँ प्रेशर कम है, ये मेनिस्कस ऐसा है तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है यहाँ का प्रेशर थोड़ा कम है, बस इतना ही याद करना है, और इस टॉपिक में हमें कुछ नहीं पढ़ना, छोड़ दें इसे, कोई टेंशन नहीं, क्लोज है, ठीक है। यहाँ तक लिखा हुआ एंड में प्रेशर एट कनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर एट कन्वेक्स साइड, तो मतलब अगर मैं ये बोलूँ इस डायग्राम में कनकेव कन्वेक्स ढूंढो, अब ढूंढ ही लोगे, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो ये कनकेव है, यहाँ कम है कन्वेक्स है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो ये कनकेव है, यहाँ पर कन्वेक्स है, जहाँ ज़्यादा है वो कनकेव है, जहाँ कम है वो कन्वेक्स है, सिंपल रूल है। और ज़्यादा कम देखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, बस आपको पूछूंगा कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, आज के लेक्चर में आपको याद ही हो जाएगा वैसे। तो ये आज का पहला टॉपिक है।